खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के में कार्यरत कर्मचारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को दिया ज्ञापन। साथ ही अपनी मांगों के संबंध में बात रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार पिछले एक वर्ष से कोरोना महामारी में आधे वेतन पर अपनी जान हथेली पर रखकर विपरीत परिस्थितियों में 24 घंटे लगातार COVID-19 केयर सेंटर ICU एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे। और आगे जानकारी देते हुए कहा कि 5 जून 2018 की नीति के अनुसार जो नियमित कर्मचारी है उनके वेतन का 90% वेतन हमें दिया जाए और जो निष्कासित कर्मचारी है उनकी वापसी की जाए। इन सभी मांगों को लेकर हम सभी हड़ताल पर हैं और हमारी मांगे पूरी होने पर हमारी हड़ताल ऐसे ही सतत निरंतर अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। किन मांगों को लेकर आप कलेक्टेड आ गए हैं? हमारी 203 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि नियमित कर्मचारी के वेतनमान का न्यूनतम 90% वेतनमान हमको दिया जाना चाहिए। हमें चाहते समान कार्य समान वेतन हो। और दूसरी मांग हमारी ये है जो निष्कासित कर्मचारी हैं हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उनकी वापसी होना चाहिए। अगर इस पर अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेंगी आप लोगों की? आगे हम लोग की हड़ताल अनिश्चितकालीन तक रहेगी जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर अमित सोनी, RBSPM करेली। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।